हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एंड आर पाठशाला। आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए संस्कृत प्रश्नोत्तरी भाग 210। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, धर्मगुरु किसी भी संस्कृत की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। आपको करना कुछ नहीं है, एक पेन कॉपी साथ लेके बैठेंगे, हमारे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बताएंगे और वीडियो के अंत में देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, जिससे कि आप अपनी परीक्षा खुद कर पाएंगे। आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। हम इस तरह के प्रश्न पत्र प्रतिदिन लाने की का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देर किए हुए। का हमारा पहला प्रश्न देखेंगे, अपाक्षीत कस्मिन लकारे भवति। अपाक्षीत लट लकारे, लुंग लकारे, लृंग लकारे अथवा लुट लकारे। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लुंग लकारे। अपाक्षीत जो कि पच धातु, पच पकाना, परस्मैपदी में बनता है। अपाक्षीत लुंग लकार में, पच धातु जो है वो उभयपदी है, परस्मैपदी भी है और आत्मनेपदी भी है। और जो लुंग लकार में अपाक्षीत, अपाक्ताम, अपाक्षु, अपाक्षी, अपाक्तम, अपाक्त, अपाक्षम, अपाक्षो, अपाक्षम में बनता है। तो लुंग लकार का धातु रूप है ये। अगला प्रश्न लेते हैं, गिर वाणी शब्दस्य प्रथमैक वचने रूपम भवति। गिर वाणी शब्दस्य प्रथमैक वचने रूपम भवति। गिर, गिहि, गिरह, गिरा। ऑप्शन फिर से देखेंगे, गिर, गिहि, गिरह अथवा गिरा। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गिहि, दूसरा वाला। गिर जो कि रकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, रकारांत नपुंसक लिंग शब्द, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। इसके जो शब्द रूप है वो चलते हैं, गिहि, गिरौ, गिरह, गिरम, गिरौ, गिरह, गिरा, गिरभ्याम, गिरभिहि, गिरे, गिरभ्याम, गिरभ्यः, गिरह, गिरभ्याम, गिरभ्यः, गिरह, गिरौ, गिराम, गिरि, गिरोह, गिरशु, हे गिहि, हे गिरौ, हे गिरह। क्लियर है? वेरी गुड। अगला प्रश्न है, मात्रानुमति ही अत्र संधि अस्ति। मात्रानुमति शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि अथवा पूर्व रूप संधि। गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि अथवा पूर्व रूप संधि। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यण संधि। मात्रानुमति में ई को यणची सूत्र से यण संधि होती है। यण संधि ई के स्थान पे यह करता है, ऊ के स्थान पे व करता है और री के स्थान पर र करता है, तो ये यण संधि कहलाती है। तो यण संधि का मात्रानुमति ही, यद्यपि प्रत्येकम, प्रत्युपकार, अन्वय, गुरुवादेश आदि इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न लेते हैं, आस्तिक अत्र कह प्रत्यय। आस्तिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? अक, क, ठक, इक। ऑप्शन फिर से देखेंगे, अक, क, ठक, इक। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ठक। अस्ति जमा ठक आस्तिक बनता है। और अस्ति नास्ति दिष्टम मति ही, इस सूत्र से यहाँ पर ठक प्रत्यय होता है और फिर ठस्येक, इससे ठक के स्थान पर एक आदेश होकर आस्तिक बनता है। इसी तरह नास्तिक, दैष्टिक आदि शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर अस्ति नास्ति दिष्टम मति ही, इस सूत्र से यहाँ पर ठक प्रत्यय हुआ। क्लियर है? वेरी गुड। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जगति छंदसी प्रतिपादे कत्यक्षराणी भवंती। जगति छंद में प्रतिपाद में कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन देखेंगे, अष्ट, दश, द्वादश, षोडश। ऑप्शन है अष्ट, दश, द्वादश, षोडश। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द्वादश, क्योंकि इसके पूरे जो अगर हम अक्षरों की वर्णों की बात करें तो 48 होते हैं। प्रत्येक चरण में जो है द्वादश, 12 12 जो अक्षर होते हैं। छंद को समझने के लिए, छंद के
वर्णों को जानने के लिए, क्योंकि बार बार ये प्रश्न आते हैं, तो आप हमारा ये एक अलग से वीडियो बना हुआ है छंदों के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह जगती छंद में जो है 12 अक्षर प्रत्येक पाद में मिलते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर रामचरितस्य द्वितीय अंक है कति वर्ष पश्चात भवति, कितने वर्ष के पश्चात जो है दूसरा अंक दिखाया गया है, द्वादश, दश, पंचदश अथवा विंशति ही। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द्वादश। 12 वर्षों के बाद का समय जो है वो दूसरे अंक में दिखाया गया है। और उत्तर रामचरितम जो है बहुभूति की रचना है, जिनका जो समय है वो 650 से लेके 750 ईस्वी का है। और जो इनका आधार ग्रंथ है उत्तर रामचरितम का, वो रामायण है। उत्तर रामचरितम के बारे में अगर आपको विशेष प्रकार से जानकारी लेनी है तो आप हमारा एक वीडियो बना हुआ है उत्तर रामचरितम में, उसमें जितने भी इसके प्रमुख पात्र हैं, सूक्तियां हैं, कितने श्लोक हैं और प्रश्नोत्तरी भी, इवन प्रश्नोत्तरी भी उसमें दी गई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उत्तर रामचरितम से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। वेणी संहारे कति अंकानि संति, वेणी संहार में कितने अंक हैं, पंच, षट, सप्त, अष्ट, पांच, छह, सात, आठ, कितने अंक हैं? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है षट। वेणी संहार में 6 अंक हैं, जो कि भट्ट नारायण की एकमात्र कृति है। इनकी एक ही रचना मिलती है, वो है वेणी संहार। और इसके जो प्रधान रस है इसमें वो है रस, वीर रस है, और 6 अंकों में यह विभक्त है। और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत सारे प्रश्न जो इससे पूछे जाते हैं। हमारा अलग से एक वीडियो भी बना हुआ है वेणी संहार पर, वो भी आप देख सकते हैं। और 8वीं सदी उत्तरार्ध जो इनका समय बताया जाता है, और भीम और द्रौपदी इसके नायक और नायिका हैं। महाभारत जो है इसका आधार ग्रंथ है। ओजगुण और गोड़ी शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा वेणी संहार वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। श्रृंगार वीर शांतानाम एकोंगी रस इष्यते कस्य विषये प्रतिपादितम इदम्, किसके विषय में कि श्रृंगार वीर और शांत इनमें से एक अंगी रस होता है, किसके विषय में कहा गया है? नाटक के बारे में, काव्यस्य, महाकाव्यस्य, कथायाः, नाटकस्य, काव्यस्य, महाकाव्यस्य अथवा कथायाः, किसके बारे में कहा गया है? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाकाव्यस्य, महाकाव्य के बारे में, क्योंकि इसका लक्षण ही कहता है सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायक सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वित एक वंश भवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगार वीर शांतानाम एकोंगी रस इष्यते। सर्गबंध होता है महाकाव्य, तो ये इसका लक्षण है महाकाव्य का। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे सूक्ति ही कुत्र मिलति, बृहदारण्यकोपनिषदि, कठोपनिषदि, केनोपनिषदि, ईशावास्योपनिषदि। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कठोपनिषदि। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो सूक्ति है वह कठोपनिषद में मिलती है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है उससे संबंधित उपनिषद है। इसमें 2 अध्याय मिलते हैं और दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। 2 अध्याय हैं, दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। और पहले ही जो अध्याय है उसकी जो दूसरी वल्ली है उसमें हमें यह श्लोक देखने को मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, कई प्रश्न इससे आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। मनुस्मृतौ विवाह संस्कार है कस्मिन अध्याये, मनुस्मृति में विवाह संस्कार किस अध्याय में है? प्रथमे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थे, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे अध्याय में? तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तृतीय, तीसरे अध्याय में जो है विवाह संस्कार मिलता है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं कुल, और जो प्रथम अध्याय है वो सृष्टि क्रम, उसमें बताया गया है चारों वर्ण, उनके धर्म, आश्रम नियम आदि का वर्णन किया गया है पहले अध्याय में। बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि
ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और मनुस्मृति के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ, वो भी देख सकते हैं आप। और जो एक्सप्लेन हम करते हैं उसे बड़े ध्यान से जरूर सुना करें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न वहाँ भी छुपे होते हैं। और दूसरे अध्याय की बात करें तो वहाँ धर्म का प्रमाण, जात कर्म आदि संस्कार आदि बताए गए हैं, शिष्य के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। और तीसरे अध्याय की बात करें तो उसमें चारों वर्ण के विवाह संस्कार, पंच महायज्ञ आदि के बारे में भी बताया गया है। चलिए तो अब हम आज का प्रश्न लेते हैं, उससे पहले कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। पूछा गया था कि अथर्ववेदे द्वादश एकम इति क्रमेण सूक्तम अस्ति, तो इसका सही उत्तर था पृथ्वी सूक्तम। पृथ्वी सूक्तम, कई मित्रों ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए इसी तरह और अपनी तैयारी करते रहिए। संस्कृत के किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें लिख सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आपको संस्कृत से संबंधित हर प्रकार की जानकारी यहाँ दी जाएगी। और साथ ही साथ हम जनरल पेपर की भी तैयारी करवा रहे हैं, उसके साथ भी आप जुड़े रह सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है ऋग्वेदे सूक्त संख्या कति अस्ति, सूक्त संख्या बतानी है। ऑप्शन है आपके सामने 10, 1028, 2006 या 10580। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।